ओके सो ये एक बड़ा ब्लेंड किस्म का सेशन होगा। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर वो जिस तरह एक पहले क्लास होती थी, शायद उस तरह से हम लोग इनको ना डिस्कस कर सकें जिस तरह वो रियल लाइफ क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि कभी टीचर आता है और वो पूरे लेक्चर में थ्रू आउट वो पढ़ा रहा होता है, और कभी ऐसा होता है कि जनरल सी डिस्कशन हो जाती है चीज़ों के हवाले से। तो आज बच्चे भी कम है तो हम ज़रा जनरल सी डिस्कशन कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस के हवाले से। तो मैं इस तरह करता हूँ कि पेपर पैटर्न को ओपन कर लेता हूँ और उसमें से हम जो है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग, अभी रमज़ान भी आने वाला है और पेपर्स भी आप लोग के करीब आ गए हैं, तो रफली यू हैव अराउंड 2 months, आई थिंक मार्च और फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल और फिर उसके बाद मई, यस यू हैव अराउंड 60 days। तो अभी यह है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस मोड में चले जाएंगे जिसमें लेक्चर कम होगा और डिस्कशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो आपका, यू ऑलरेडी नो दिस कि इट इज़ गोइंग टू बी ऑल बेस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है? इसमें बुक में से कुछ भी नहीं आएगा। बुक, जब मैं कहता हूं कि बुक में से कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर जो नॉलेज बेस्ड डेटा होता है, कौन कब पैदा हुआ, कौन कौन किसकी उम्र कितनी थी और कौन कहाँ रहता था, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाएंगे। आपका एमसीक्यूज का सारा पोर्शन जो है वो होगा ग्रामर बेस्ड। 20 MCQs हैं, तो उन 20 में से आपके जो 15 MCQs होंगे ना, 15 बेटा, वो तो प्योरली ग्रामर बेस्ड होंगे, प्योरली ग्रामर बेस्ड। अच्छा, अब जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हैं पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 5 MCQs हैं उनके हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा। और बीच में आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, जो भी आपके जहन में क्यूरी हो, तो वो आपने माइक ओपन करके मुझसे पूछती जानी है, ठीक है? आपने इजाज़त नहीं मांगनी, आपने माइक ओपन करना है, आपने कहना एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे काट के और मुझसे आप बात पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ ऊपर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपने उससे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, ताकि ये ना हो कि फिर हमारी डिस्कशन जो है वो किसी और तरफ चली जाए, ठीक है? अच्छा, अब ये जो बेटा 15 MCQs होंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, पोर्शन सेंटेंस का पोर्शन अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है वो फ्रेज है, क्लॉज है, या पार्ट्स ऑफ द स्पीच में वो क्या है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ग्रामर में से क्वेश्चन आएंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच बेस्ड हो सकते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, और इसके अलावा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये तीन चीज़ें जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ आती हैं, जिस बच्चे को पार्ट्स ऑफ द स्पीच का पता है, जिस बच्चे को फ्रेजेस की और क्लॉजेस की टाइप्स पता हैं, और जिसको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जिसको ये तीन तीन चीज़ें अच्छे तरीके से आती हैं ना, तो वो इस 15 नंबर के एमसीक्यूज के अंदर मार नहीं खाएगा। चीज अंडरलाइन की भी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस के अंदर बताएं कि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, ये 15 नंबर का आपका होगा। फिर उसके बाद 3 नंबर आपके जो होंगे ना, वो होंगे फिगरेटिव डिवाइसेस जो होती हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। जस्ट 1 मिनट उज्मा, यार मुझे मेरी ग्लासेस दे दो। जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज द यूज ऑफ आयरनी, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, तो एटलीस्ट 2 मिनिमम और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फिगरेटिव डिवाइसेस में से, फिगर्स ऑफ स्पीच में से आएंगे। अब जो 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 टेक्निकल या जो टिपिकल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो वो मैंने एक जो प्लेलिस्ट, आप अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने वो सारी वीडियोज देखनी है, तो उसमें कुछ लिटरेचर की टर्म्स हैं जैसे क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, और सोनेट क्या होती है, लिरिक क्या होती है, बैलेट क्या होती है, बैले क्या होती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपसे, वो सारा जो मटेरियल बनता है उसमें से आपसे 2 या 3 MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब वो उस तरह, वो जो MCQs होंगे वो किस तरह के होंगे, उसमें बेटा आपको जिस तरह यहाँ पे के एग्जाम्पल्स में से बताएं कि आयरनी किस में यूज हुई है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, आयरनी की डेफिनेशन, पैराडॉक्स की डेफिनेशन, एंटीथीसिस की डेफिनेशन, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं और एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में। तो आपने दोनों तरह से इस चीज को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद यानी कि 17 से 18 MCQs ये हो गया, उसके बाद जो बाकी वाला पोर्शन है वो आपका होगा डिक्शनरी बेस्ड। उसमें आपसे सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे स्पेलिंग्स पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ग्रामर जो है उसको अच्छे तरीके से करना है, और वो जो ग्रामर का मैंने क्रैश क्रैश सेशन करवाया था
वो आप अच्छे तरीके से उसको अटेंड कर लें, उसकी वीडियो आप देख लें। और आई एम श्योर कि आप सबने फर्स्ट ईयर के अंदर वही वीडियो जो है उसी से ही आपने वो आपने लाजमी वीडियो देखी भी होगी। तो अगेन मैं दोबारा आपके आपके साथ लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसका जो PDF है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों के पास तो ऑलरेडी होगा जो फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ रहे थे मुझसे, उनके पास ऑलरेडी होगा, वरना मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ग्रामर के लिए आपने वो सारी चीज़ें जो है वो देख लेनी है, और जो बाकी ये 2-3 नंबर फिगरेटिव डिवाइसेस वाले हैं उसके लिए आपने वो वीडियोस जो है वो देख लेनी है। सिर्फ उनको देख लेना है ताकि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट हो, उसमें से कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर लें एक किसी अच्छे मूड में बैठ के, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। तो इसकी और मजीद भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और इनको हम डिस्कस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो ये वाला इस पोर्शन में कोई भी बच्चा जो है वो इंशाल्लाह मार नहीं खाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे इसका मीनिंग पूछा गया है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना लास्ट में 2 नंबर के जो डिक्शनरी बेस्ड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो इस तरह से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और ग्रामर में जब मैं आपको 15 नंबर के ग्रामर का क्वेश्चन बता रहा था, उसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बाज दफा आपसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो बट इन एनी केस इसमें आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ आ जाएं, तो कॉम्प्रिहेंशन का आई कैन ओनली गिव यू द कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर ना तो पढ़ने की जरूरत है और ना ही हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, ना ही हमने पढ़े हैं और ना ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस हम लोगों ने शायद इतनी ज़्यादा नहीं की, वो अभी जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि उसमें जब आप 4 से 5 भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। ठीक है जी, समय पूछें बेटा। सर, ये जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं इसकी सर टाइप्स में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये अगर क्लियर कर दें तो। न्यूमरल एडजेक्टिव, जी सर, न्यूमरल एडजेक्टिव में बेटा बेसिकली सारे जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर दोनों, ठीक है, जब हम कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज, तो इसमें फर्स्ट जो है दैट इज ऑल्सो न्यूमरल एडजेक्टिव, और जब हम कहते हैं कि 1 पर्सन, तो इसमें 1 जो है दैट इज ऑल्सो न्यूमरल एडजेक्टिव। अब उसमें फिर नंबर की नहीं ऑर्डर, सर, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है इसकी जो टाइप्स हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव की, नहीं, इनडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जी सर, जैसे सम, जी सर, सम, फ्यू, मैनी। यस, जिस जिस जैसे हम कहते हैं ना सम बॉयज, ठीक है, तो अब इसमें सम बॉयज जो है, सम इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है, और है भी इनडेफिनेट और somehow नंबर्स को भी शो कर रहा है, तो दैट इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। लेकिन आई डोंट थिंक के इस लेवल पे जाके, ये यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर ऑफ CSS लेवल, जो CSS लेवल की जो कंपोजिशन होती है उसमें इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अदर देन दैट, ठीक है, ये है कि आई कैन टेल यू जिस तरह की ग्रामर आप कहें मैं आपको आपको बता दूंगा जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो। बट आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वेरी बेसिक्स, द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स, क्योंकि आपको जो ग्रामर है वो ना तो आपसे उस तरह से MCQs की फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में या उस तरह से तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड उसमें आपको इंशाल्लाह से प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह आपकी उर्दू की ग्रामर है ना, उर्दू में आपको ग्रामर में मसला आ सकता है क्योंकि वहां पे उन्होंने ग्रामर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वहां पे फिर आपको डेफिनेशन और ये सारी चीजें जो है वो जहन में रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेरंड्स एंड द पार्टिसिपल्स, तो उसको आप लोग जरूर में जहन में रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मेरे पास बच्चे थे सेकेंड ईयर के, 96 6 नंबर्स हैं, और एक बच्ची थी उसके 96 मार्क्स हैं और उसने एक MCQ गलत किया था, और वो उसने जेरंड्स जेरंड एंड पार्टिसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें उसने गलती की थी सर, ये एडियम से भी बड़ा मसला है। ईडियम्स में। जी सर, हाँ ईडियम्स में भी, लेकिन ईडियम्स में इतना मसला नहीं होता, MCQs के अंदर ईडियम में इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो ईडियम्स आपके नीचे आते हैं ना सेंटेंसेस बनाने वाले, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी,
पोइट्री में मुझे है कि अगर आपने पोएम्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो फिर आपको पोइट्री में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको वहाँ पे कोई आपसे ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो। लेकिन अगेन पोइट्री के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि दो स्टैंजाज आपको दिए हुए होंगे, तो अगर आपको फर्स्ट स्टैंजा की समझ नहीं आ रही तो आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन होगी कि आप सेकेंड स्टैंजा जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और पोइट्री जो है वो मैंने आपको दोनों बुक्स की पढ़ा दी हुई है, लेकिन ये है कि आगे चल के मैं इंशाल्लाह संडेज के अंदर भी कुछ सेशंस रखा करूंगा इस तरह से कि हम किसी संडे को बैठ के पूरी पोइट्री को रिवाइज कर रहे होंगे। किसी संडे को हम लोग बैठ के तो पूरी जो है हम लोग ग्रामर को रिवाइज कर रहे होंगे, तो इस तरह के भी मैं कुछ आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, तो इंशाल्लाह उसमें हम जो रही सही कसर होगी वो हम इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। तो बीच में बस वो मेरे अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए तो उसकी वजह से मैं बीच में नहीं टाइम दे सका एंड थिंग्स लाइक दैट, बट इंशाल्लाह आई विल मेक अप टू यू। ठीक है, जो बीच में कमी पेशी रह गई है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्ले में। तो सॉरी, जो आपका नॉवल वाला क्वेश्चन है, तो नॉवल वाले क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप अगर नॉवल को पढ़ रहे हैं तो आप नॉवल को इस परस्पेक्टिव से पढ़ें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा नॉवल जो है वो आपकी बुक में जो है वो अगर आपने पढ़ लिया हुआ है तो इट्स वेरी गुड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेशक आप उसको ना पढ़ें। आपको प्लॉट पता होना चाहिए, आपको जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए, जैसे पिगी का कैरेक्टर है, राल्फ का कैरेक्टर है, ठीक है, और साइमन का कैरेक्टर है, ठीक है, जैक का कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थीम्स पता होनी चाहिए कि इस नॉवल की थीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इस नॉवल के अंदर क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा ये स्पेलिंग्स को क्या हो गया आज मेरे, क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो ऊपर कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए कौन से कैरेक्टर इसमें डायनामिक हैं, कौन से कैरेक्टर इसमें स्टैटिक हैं। तो ये तीन से चार चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैरेक्टराइजेशन, लाइक मैनी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज एन इनविजिबल टूल विच हेल्प्स बिल्ड एंड पोर्ट्रेज स्ट्रॉन्ग फ्लॉड एंड फ्लॉलेस एंड रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर। अब देखें कि आप जब सारे कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो आपको, और वहां पे आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि कौन सा कैरेक्टर जो था वो फ्लॉलेस था और कौन सा कैरेक्टर जो था वो फ्लॉड था। अब अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी भी है तो हमें पता है कि जो साइमन था वो बिल्कुल एक फ्लॉलेस कैरेक्टर था, वो बिल्कुल उसमें ना ना तो वो बहुत ज्यादा कोई एम्बिशियस था और ना ही कोई बहुत ज्यादा कोई वो एक तरह से ना मेलिशियस था कि कोई उसमें उसकी कोई बुरी इंटेंशंस थी। पिकी था फ्लॉलेस कैरेक्टर है, मतलब हमें लग रहा है कि यार वो उसमें उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं लेकिन प्लॉट के अकॉर्डिंग उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें जैक की और राल्फ की, जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन उनके अंदर थोड़े थोड़े क्या हैं, फ्लॉज भी हैं। अब जैसे दोनों के अंदर क्या फ्लॉ है कि जैक जो है वो ही इज अ बैड कैरेक्टर, ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है, और उसमें कौन सी चीज उसको ज्यादा फ्लॉलेस बनाती है कि वो स्टबन है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। सेम इज द केस विद राल्फ, राल्फ इज अ गुड कैरेक्टर लेकिन वो भी क्या है, उसके अंदर भी फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है कि यही कि वो भी स्टबन है। तो फिर जब आप कहानी को पढ़ लेते हैं और कहानी को पढ़ के आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको, जो नॉवल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अगर आप वो मूवी देख लें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आपको ना मिल रही हुई तो मैं आपको मूवी ढूंढ के सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप मूवी को देख लें अच्छे तरीके से तो इनशाला आपको जो नॉवल है वो समझ भी आ जाएगा और आप हर लिहाज से जो है वो नॉवल के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। और दूसरा, ये जो नोट्स हैं इन नोट्स को आप लोग स्टडी कर लें, इट्स जस्ट 11 पेज, ठीक है, इसमें सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर भी इसमें एक्सप्लेन हैं, इसमें बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको सारी की सारी जो है वो इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे जो प्रोग्रेस प्ले है उसमें से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये वहाँ पे देखना होगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह का जनरल सा है जो बिल्कुल नॉवल बेस्ड नहीं है और आप प्रोग्रेस प्ले में से उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोग्रेस प्ले से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अवैस बेटा, मूवी का नाम भी यही है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सेम नेम के साथ है मूवी।
अच्छा, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स विद रेफरेंस टू एनी नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर। तो अब आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में देख लें, क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स बेसिकली जब वो पिगी को मारते हैं तो वो एंटी क्लाइमेक्स है, वो सॉरी वो क्लाइमेक्स है कि यार पिगी को मार दिया अब क्या होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब वो राल्फ के पीछे भाग रहे होते हैं उसको मारने के लिए, तो वो क्लाइमेक्स है। उसके बाद फिर एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स होता है बेसिकली कहानी के अंदर कि जब वो कहानी जिस तरह से आप परसीव कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपको लग रहा होता है, कहानी उसके बिल्कुल एंड पे जा उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाकर खत्म होती है। क्योंकि देखें, अगर आपने ये नॉवेल पढ़ा है तो आपको पता है कि वो पिगी जो राल्फ है वो भाग रहा होता है, जैक स्ट्रांग हो चुका है और राल्फ बिल्कुल अकेला रह गया, उसके सारे दोस्तों को इन्होंने मार दिया। अब वो भाग रहा है, जैक कहता है कि जंगल को आग लगा दो, जंगल को आग लगा देते हैं और हमें लग रहा होता है कि बस अब तो राल्फ गया। लेकिन क्या होता है कि वो भागा 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 साहिल की तरफ आता है और वो किसी के वहमो गुमान, इवन पढ़ने वाले के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये जो आग लगी है इस आग से क्या फायदा हो सकता है, हमें लग रहा होता है बस अब राल्फ का एंड है। लेकिन क्या होता है कि वो आग लगती है और उसी आग को देख के बाहर से कोई एक जो है वो शिप आ जाता है और वो जैसे राल्फ बाहर साहिल की तरफ आता है और वो जैक और वो सारे के सारे उसके पीछे भाग रहे हैं, तो जैसे वो साहिल पर जंगल से निकल के साहिल पर आते हैं, समंदर के साहिल पर, तो देखते हैं तो शिप खड़ा होता है और एक कैप्टन जो है वो उनको रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। तो ये बिल्कुल एक एंटी क्लाइमेक्स है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कहानी इस तरह से जाके एंड हो सकती है कि वो आग जो उन्होंने राल्फ को मारने के लिए लगाई थी, राल्फ को बाहर की तरफ भगाने के लिए लगाई थी, वही आग जो है वो उनके रेस्क्यू का सबब बन जाती है। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक टर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं वो आपने अच्छे तरीके से उनको पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके बाद जो है वो आपने नॉवेल को पूरा अगर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, अगर पूरा नहीं भी पढ़ा तो आप उसकी स्टोरी सुन लें, आप उसकी मूवी देख लें, आप उसकी स्टोरी को समझ लें, ठीक है, ऑडियो आपकी उसकी सुन लें। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है उसकी आपको ऑडियो भी मिल जाएगी, पढ़ने का टाइम नहीं है, आप उसकी ऑडियो सुन लें, ठीक है, ऑडियो प्ले करके तो आप साथ में अपना काम करते रहें और साथ में कहानी जो है वो भी आप सुनते रहें। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास एक अच्छा नॉवेल जो है उसकी मुकम्मल तौर पर स्टोरी उसकी उसका वो जिस तरह कहते हैं ना कि उसका ऊपर नीचे सब आपको उस नॉवेल का पता हो, एक भी अगर आपने इस नॉवेल इस तरह से पढ़ रखा होगा तो आपको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना किसी भी चीज को, रट्टा लगाएंगे तो बेशक आपने 100 चीजों को भी रट्टा लगा लिया तो आप फिर भी खतरे में होंगे, लेकिन आपने अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को पढ़ लिया तो इनशाला उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऐसे राइटिंग पे। तो ऐसे राइटिंग का आपको पता है कि ये एक बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन होता है, इसमें यह है कि ऑल आई कैन डू इज के आई कैन आस्क यू, आई कैन गिव यू अ टॉपिक फॉर एवरी वीक, ठीक है, अभी आपके पास जिस तरह 2 मंथ्स रह गए हैं, सो दिस मीन्स कि 8 वीक्स हैं आपके पास, तो मैं आपको हर वीक का एक टॉपिक दे सकता हूँ, 2 टॉपिक दे सकता हूँ, आप उस पर ऐसे लिखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा आप, और बिल्कुल जनरल से टॉपिक, अब करप्शन है तो करप्शन पे आपको कौन सी जाके किताबें खंगालने की ज़रूरत है या आपको बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है, एक सिंपल आपकी अगर प्रैक्टिस होगी चीज़ों के ऊपर बात करने की, चीज़ों पर पढ़ने की, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको ऐसे की आउटलाइन वहां पे दी हुई होगी, आपने सिंपल उस आउटलाइन को फॉलो करना है। जैसे अब यहाँ पे देखें कि डेफिनेशन, फिर उसके बाद करप्शन एज अ डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस एंड करप्शन एज डीपली रूटेड ईवल ऑफ सोसाइटी एंड करप्शन एज मदर ऑफ ऑल ईवल्स एंड मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अब ये पूरी की पूरी आपको आउटलाइन दी हुई, आपने सिंपल बेटा ये करना है ऐसे में कि हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आउटलाइन के जो टॉपिक्स हैं, हर डेफिनेशन के हर क्या क्या होता है डेफिनेशन और हेडिंग, सॉरी, हर हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने एक एक पैराग्राफ जनरेट करना है और आपका ऐसे जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो आउटलाइन होती है ना ऐसे के अंदर सबसे मुश्किल चीज होती है ऐसे की आउटलाइन बनाना। तो आउटलाइन जो है ना वो बोर्ड वालों ने दुआएं दें आप उस बंदे को जिसने ये सजेस्ट किया होगा कि यार पेपर में आउटलाइन भी बना देते हैं, वरना नॉर्मली HSSC लेवल पे कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि ऐसे की आउटलाइन भी साथ में दी भी हो। तो आप लोगों के लिए ये बड़ी आसानी है कि आपको आउटलाइन वहां पे बोर्ड वाले खुद प्रोवाइड करेंगे, आपने सिंपल उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग एक एक पैराग्राफ जनरेट करना होगा। तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आउटलाइंस हैं और आपने जो है वो 250 से 300 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना है। तो आप अगर हर हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप 25 से 30 वर्ड्स भी लिखें ना तो
यस, अल्लाह उसको मजीद हिदायत दे, बिल्कुल आमीन। और अल्लाह जो है ना वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी हिदायत दे, ज्यादा सारी अल्ट्रा प्रो मैक्स हिदायत दे सेकंड ईयर वालों को और सारे बच्चों को भी, बाकियों को भी। अच्छा तो देखें, 10 अगर आपके पास बेटा हेडिंग्स हैं तो हर हेडिंग पे अगर आप 30 वर्ड्स भी लिखते हैं, 30 वर्ड्स, जैसे आप यहाँ पे देखें ना कि करप्शन एज डीपली रूटेड ईवल ऑफ सोसाइटी, इस पे अगर आप 30 वर्ड लिखें, इस पे भी 30 वर्ड, इस पे भी 30, इस पे भी 30, 30 वर्ड्स, तो आपका 300 वर्ड्स का आराम से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसे के हवाले से, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो मजीद करेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक एरिया बनता है बच्चों के लिए वो आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। जी सर जी, हमें ज्यादा हिदायत की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑफ एरर्स, ठीक है, 5 इसमें एरर्स होती हैं, आपने उन एरर्स को हाईलाइट भी करना होता है, फिर आपने उस पैराग्राफ की जो है उसकी वो जो एरर्स होती हैं उनको आपने करेक्ट भी करना होता है। इस पे हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, लेकिन हम मजीद भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद ये है कि अल्लाह दे हवाले। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए, पार्ट ए जो है। फिर उसके बाद इसका जो पार्ट बी है दैट इज ईडियम बेस्ड, अगेन चैलेंजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट सी है दैट इज नरेशन बेस्ड। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपके लिए जिसके जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मटेरियल जो है वो मैं आपको वन बाय वन ईडियम्स का मटेरियल मैं आपको दे चुका हूँ और करेक्शन का दे चुका हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए जो है वो पैराग्राफ्स बनाए हैं और 7 इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, हर पार्ट के अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं और वो पैराग्राफ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट हुए हैं। तो ये मैं अभी इस क्लास के बाद आपके साथ ये जो फाइल है ये शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर ये है कि पैराग्राफ भी है और साथ ही पैराग्राफ का आंसर भी है, तो आप इसको स्टडी कर लें, आप इसको समझ लें। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है और यूट्यूब पे अपलोड भी कर दी है, एक एक करके विद इन अ वीक वो वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, लेकिन यह है कि आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक इसको अभी से स्टार्ट करना कर सकते हैं। तो ये बेटा आप लोग इसको देख लें अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले दिया था वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इनशाला आपका जो कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है ये भी आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग पे जो नेक्स्ट हमारी वेनसडे की क्लास है, वेनसडे वाली क्लास में जिस तरह मैं आज आप लोगों के साथ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक पूरी फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट्स के ऊपर आई विल बी शेयरिंग अ फाइल विद यू, जिसमें अराउंड लेट मी शो यू, जिस तरह मैंने लेटर्स बनाए हैं 9th और 10th वालों के लिए, सेम इसी तरह से आई विल आई एम वर्किंग ऑन इट, अभी मैं इस अभी मुकम्मल नहीं हुई फाइल, जब मुकम्मल हो जाएगी तो इनशाला आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। ये मैंने 9th और 10th के बच्चों के लिए प्रिपेयर की थी और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी यही फाइल है। इसमें बेसिकली मैंने ये 10 लेटर्स लिखे हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने सैम्पल बॉडी का जो सैम्पल है वो भी मैंने जनरेट किया है कि अगर आपको इस तरह का कोई लेटर आता है तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। तो इस तरह का मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ये मैं नहीं कहता कि जो मैं आपको 10 टॉपिक्स दूंगा उसी में से ही कोई रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन यह है कि आप उनको पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चंस, इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस होंगी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ आपको पूरा बॉक्स बना होगा, उसी बॉक्स में से आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो उठा के पैराग्राफ के अंदर एडजस्ट करनी होंगी। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का लेक्चर रिवाइज कर लें, ठीक है, और जो नोट्स हैं उनको आप एक दफा अच्छे तरीके से देख लें। ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक ऐसी चीज है कि जो आपको इस क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करेगी, आपको ऐसे राइटिंग के अंदर भी हेल्प करेगी, आपको समरी के अंदर भी हेल्प आउट करेगी और बाकी चीजों के अंदर भी आपको ये हेल्प आउट करेगी। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू विद ऑल दिस डिस्कशन इज कि सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, पेपर का पैटर्न इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जिसके लिए आप बैठें और बैठ के रट्टे लगाएं और पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, जैसे आपको
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस हैं, उसकी भी आपको टाइप्स को रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद फिर यह है कि प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है, आप रैंडमली उसकी प्रैक्टिस करें, पास पेपर्स की आप प्रैक्टिस करें। अभी हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, हर पेपर को अटेम्प्ट करें, मुकम्मल अटेम्प्ट करें, और फिर उसके बाद फीडबैक सेशंस होंगे उनको अटेंड करें, तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश इंग्लिश आपके लिए कोई प्रॉब्लम करेगी ही नहीं। सो स्टार्ट वरीइंग अबाउट इंग्लिश, बस ये है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हैं आप प्रैक्टिस को टाइम दें, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलरली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, अपना अभी से टाइम टेबल वगैरह बना लें। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान जो है वो नेकियों का महीना भी होता है, और नेकियों का क्या महीना होने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि स्टडी के लिए भी बड़ा एक आइडियल महीना होता है, बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है, क्योंकि हर बंदा एक यू नो एवरीवन इज समहाउ कनेक्टेड टू हिज और हर ओन सेल्फ। हर बंदा आपको ना अपने आप से कनेक्टेड फील होगा, इबादत कर रहे हैं लोग, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो बड़ा है ना एक सुकून वाला माहौल होता है, हर जगह पे आपको एक तरह से सुकून नजर आता है। ईद वाले दिनों में आके थोड़ा ये है कि पाकिस्तानी जो है वो जॉम्बीज बन जाते हैं, और जॉम्बीज बन के बिला वजह सड़कों पे निकल आते हैं, शॉपिंग और ये सारी की सारी चीजें, तो एक बड़ा एक तूफान है, बदतमीजी बना हुआ होता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो रमजान का महीना जो है वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा इन्वायरमेंट होता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें अपनी स्टडीज के लिए, और अच्छे तरीके से गिव योर 100%, और अच्छे तरीके से जो है ना वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक बड़े बैलेंस के साथ लेके चलें। तो अभी अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके जहन में है तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी आई एम गोइंग टू शेयर दिस डायरेक्ट इन डायरेक्ट विद यू, ये एमसीक्यूज की फाइल है कि आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है उसके अंदर ये मौजूद है, ये प्ले के क्वेश्चन भी उसमें मौजूद हैं, इसके अलावा ये वाले पेपर्स भी सारे के सारे उसमें मौजूद हैं, और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं ये लेटर्स की जो फाइल है ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो रिपोर्ट का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, वैसे जो पास पेपर वाली रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप लाजमी देखें, लेकिन मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उस पर जो मुझे लग रहा है कि 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो उन पर मैं भी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वेनसडे की क्लास में आपके साथ मैं वो रिपोर्ट्स भी शेयर कर दूंगा। तो कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि सर जो आने वाले 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें भी फलां चीज़ पढ़ा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, वो फलानी चीज़ दोबारा पढ़ा दें, तो वो अभी आप मुझे बता दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लूँ। जी सर जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करेक्शन वाले ना हमने पैराग्राफ की सूरत में नहीं किए, तो उस तरह अगर आप हमें प्रैक्टिस करवा दें आने वाले दिनों में। और हाँ जी, और करेक्शन एरर्स वाले अच्छा वो हाँ हमने पैराग्राफ की सूरत में नहीं किए, यस वैसे बस टेंस सेंटेंस किए। यस यू आर राइट, यू आर राइट। कैन वी डू दैट ऑन फ्राइडे? ओके सर, हम फ्राइडे वाले दिन कर लें, फ्राइडे वाले दिन जो है वो हम लोग जो कुरेक्शन है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और डायरेक्ट इन डायरेक्ट के लिए ये देखें ये पैराग्राफ है और ये उसको ये डायरेक्ट में है और ये इनडायरेक्ट में है। आई वॉन्ट कि आप इसको स्टडी कर लें ये सारे बच्चे एक दफा, और फिर इसमें से कोई एक, और क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी अपलोड आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन मैं आज से करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन यह है कि अगर आप बाद में कहेंगे तो हम नरेशन के जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो थर्सडे जो वेनसडे वाली क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, और हो सकता है कि रिपोर्ट्स में सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और हम कुरेक्शन वाले जो पैराग्राफ्स हैं वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लें, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बट ओके योर पॉइंट इज नोटेड, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग एट अर्लीएस्ट हम लोग जो कुरेक्शन के पैराग्राफ्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस नाउ, ताकि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी एनीथिंग एल्स अरीबा या अवैस, कोई चीज़ आप पूछना चाहें बताना चाहें? नो सर। ओके अवैस बेटा, आपने कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज सजेस्ट करनी हो तो यू कैन डू दैट। ओके सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है, और मंडे को इंशाल्लाह फिर दोबारा से मुलाकात होगी, सॉरी वेनसडे को, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और
परेशान नहीं होना, मैं थोड़ी सी आप लोगों की काउंसलिंग भी करना चाह रहा था ताकि आप बिल्कुल वो पुरसकून हो जाएं, ठीक है, पुरसकून हो जाएं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।